हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग मूवी रिव्यू करने वाले हैं अजय देवगन, अमिताभ बच्चन एंड रकुल प्रीत सिंह स्टारर रनवे नंबर 34 का, जो कि कल ही रिलीज हुआ है। अब जहां तक इसके दो ट्रेलर्स निकले थे उससे यही प्रॉमिस कर रहा था कि एक बहुत ही एज ऑफ द सीट थ्रिलर होगा, उसके साथ साथ एक कोर्टरूम ड्रामा हम लोग को देखने को मिला था। एंड अजय देवगन रिटर्निंग बैक टू हिज डायरेक्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शिवाय के बाद, और इस बार उनका डायरेक्शन एकदम ऑन पॉइंट रहा है। शिवाय में भी बहुत जबरदस्त था लेकिन इस बार नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं। द कैमरा वर्क, द एंगल, द VFX, एवरीथिंग लुक्स फैंटास्टिक एंड द फिल्म बमन ईरानी और बहुत सारे कैरेक्टर्स का एंट्री होता है वहां पर भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट का हम बात करना चाहेंगे प्री इंटरवल बहुत जबरदस्त है। जिस तरह से कैरेक्टर्स को सेटअप किया जाता है, जिस तरह से पूरा बेस सेटअप किया जाता है, अजय देवगन के कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, और जिस तरह से फ्लाइट टेक ऑफ करता है उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या क्या अलग अलग टाइप के पैसेंजर्स, कैरी मिनाटी भी है जो कि ही इज प्लेइंग कैरी मिनाटी, वो कोई अलग कैरेक्टर नहीं प्ले कर रहे, वो कैरी मिनाटी का ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। और प्लेन में जिस तरह के नॉर्मल पैसेंजर्स होते हैं, किसका कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो सब भी दिखाया जाता है। सबका अलग अलग टेम्परामेंट, सबका अलग अलग सोच, और वो उसमें कैसे टैकल करते हैं, और उसके बाद मेन जो मौसम जो बदलता है उसके बाद वहां पे क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, और बहुत ही थ्रिलिंग लगता है। एकदम एज ऑफ द सीट रहोगे आप और आप एनी टाइम सोचते रहो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर भी एक तरह से पता रहता है ट्रेलर के बाद काफी कुछ, लेकिन उसके बाद भी जो थ्रिल वो पैदा करता है, फर्स्ट पार्ट फैंटास्टिक है। VFX वर्क हम आपको बताएं, तूफान वगैरह, साइक्लोन वगैरह सब कुछ के साथ जो दिखाया गया बहुत जबरदस्त लगता है। और अजय देवगन इज पिन पॉइंट ब्रिलियंट रोल बाय हिम, और सेम गोज विद रकुल प्रीत सिंह, उनका जिस तरह का एक्सप्रेशन रहा है फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त के एक्टर्स वो हैं, और दोनों का काम बहुत अच्छा रहा है। प्री इंटरवल का हम बात करें, और फर्स्ट हाफ के बाद जो सेकंड हाफ आता है वहां पे कंप्लीटली चेंज हो जाता है कोर्टरूम ड्रामा, और वहां पे जो डायलॉग बाजी देखने को मिलता है अजय देवगन और अमिताभ बच्चन के बीच में, जो फेस ऑफ देखने को मिलता है, एक्साइटमेंट तो यहीं पे पूरा हो जाता है, क्योंकि ये दो मतलब महानायक है एक तरह से। और इस तरह के इंटेंस डार्क थ्रिलर टाइप के रोल्स में जो डायलॉग डिलीवरी रहती है इन दोनों की, मतलब मजा आ जाता है लिटरली। और उसके बाद देखो जहां तक कहानी है, कहानी में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको दिखेगा, या फिर कोर्टरूम ड्रामा में बहुत ज्यादा राज खुलेंगे, और बहुत ही ज्यादा एक जैसे बदला में कैसे हुआ था बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स आया था, एकदम दिमाग को घुमा देने वाला, कुछ उस तरह का तो नहीं आता है यहाँ पे। लेकिन सेकंड पार्ट में ज्यादातर जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि ये काम अगर किया गया था फर्स्ट हाफ में, ये डिसीजन लिए गए थे तो वो क्यों लिए गए थे, और हर चीज से पर्दा उठता है। और धीरे धीरे अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में भी, जैसे बोमन ईरानी का कैरेक्टर, उनका क्या एंगल है, अंगीरा धर उनका क्या एंगल चल रहा है, वो सब भी जब सेटअप किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और वहां पे जब फेस ऑफ होता है, डायलॉग बाजी जब चलती है, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने को। सो ओवरऑल रनवे नंबर 34 इज अ ब्रिलियंट वॉच टू से द लीस्ट, क्योंकि हम हीरोपंती फर्स्ट टाइम देखे मतलब सुबह में, उसके बाद हम रनवे नंबर 34 का टिकट बुक किए थे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको पता था हीरोपंती के बाद मेरा क्या होने वाला दिमाग का, और उसके बाद हमको एक चाहिए था एक अच्छा फिल्म जो कि हम देखें, एंजॉय करें। और क्योंकि अगर अजय देवगन, अमिताभ बच्चन हैं तो ये दोनों काफी हैं एक फिल्म को मतलब यहां से उठा के यहां करने वाले अपने, अगर फिल्म थोड़ा सा फ्लैट भी पड़ता है तो भी वहां पे ये दोनों को देख के, इनका स्क्रीन प्रेजेंस, इनका डायलॉग डिलीवरी, इनका पर्सनालिटी, वो देख के ही आप इंजॉय कर सकते हो। तो इसलिए हम रनवे 34 बाद में देखे, और देखने पे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। हाँ, कुछ उस तरह का एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा, लेकिन फिर भी जितना भी इस फिल्म में है, क्योंकि एक एक काम देख लो, VFX का या फिर एक्टिंग का देख लो, एक्टिंग डिपार्टमेंट में जितने भी एक्टर्स हैं बेहतरीन एक्टर्स हैं, तो उनका काम हो गया, चाहे BGM हो गया या फिर अजय देवगन का वो स्वैगर कह लो एक तरह से उनका हो गया, या फिर अमिताभ बच्चन का जिस तरह से वो सैवेज डायलॉग्स वगैरह बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये सब जितने भी चीजें वो बहुत ही बेहतरीन लगता है। एंडिंग क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा है, सटल है, बहुत ज्यादा ओवर द टॉप नहीं है या फिर बहुत ज्यादा दिमाग घुमाने वाला नहीं है, लेकिन हाँ एक आध छोटे मोटे ट्विस्ट आते हैं कि ये हुआ था तो क्यों हुआ था, तो वो भी काफी जबरदस्त लगता है। सो ओवरऑल रनवे नंबर 34 मेरे हिसाब से तो आप एक बार डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हीरोपंती से ज्यादा आप डेफिनेटली रनवे नंबर 34 को जाके आराम से देख सकते हो, आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। अगर आप परफॉर्मेंसेस को इंजॉय करते हो तो आप इस फिल्म को जरूर इंजॉय करोगे। राइटिंग भी काफी अच्छा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डायरेक्ट भी किया अजय देवगन ने। सो अजय देवगन का जो सेकंड डायरेक्टोरियल है, इनफैक्ट थर्ड है शायद, तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा हमको, क्योंकि देखो ईद पे जनरली क्या होता है कि मासी फिल्में ज्यादा चलती हैं, तो कलेक्शंस इसके काफी कम आ रहे हैं, इनफैक्ट काफी ही कम आ रहे हैं। अजय देवगन, अमिताभ बच्चन का जो स्टार पावर है उस हिसाब से तो काफी ही कम आ रहे हैं, एस्टिमेटेड 3 करोड़ बताया जा रहा है, 3 करोड़, 3.5 करोड़। सो बहुत ही चिंता का शायद टाइम है, लेकिन अभी ईद आया नहीं तो शायद ईद में
एक्सपेक्ट करें कि थोड़ा सा और ग्रोथ हो और थोड़ा अच्छा रिस्पेक्टेबल कलेक्शन करें। अगर आपने देखा है 34 रनवे नंबर तो आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। नहीं देखा है तो आप प्लान कर रहे हो या नहीं वो भी बताना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, और कुछ बात करनी इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।